फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर पाईटेक क्लासेस में। आज हम लोग एक यहाँ बहुत ही खुशखबरी निकल के आ रही है जो लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से, और ये रिक्वायरमेंट जो है 2021 न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या है, सीटों की संख्या कितनी है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेट ऑफ इशू जो है, नोटिफिकेशन जो है 3/3 को यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन निकाला गया है, और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट जो है 11 तारीख से स्टार्ट है। और भी हम डिटेल्स जानते हैं कि इसमें सीटों की संख्या कितनी है। यहाँ पे दो पोस्ट निकाली गई है, जो एग्जीक्यूटिंग कैटेगरी पोस्ट टू फील्ड ऑन अप इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है, और नॉन एग्जीक्यूटिंग कैटेगरी पोस्ट टू फील्ड अप डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और नीचे हम लोग जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से, इसका एग्जामिनेशन फी क्या है, और इसका सिलेबस कैसा रहेगा, इत्यादि जितने भी डाउट हैं वो हम लोग डिटेल से जानेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं कि जो है दो पोस्टों की संख्या है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट, इसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 6 है, जिसका जो पोस्ट क्या है, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन के लिए है। और जो हम लोग नीचे जब इसको स्क्रॉल करते हैं तो आपको जो है डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगे, जो है नॉन एग्जीक्यूटिंग कैटेगरी पोस्ट है, जैसे आप यहाँ पे देख पाए, इसमें टोटल सीटों की संख्या, इसमें भी 4 है, स्टेशन कंट्रोल कम ट्रेनिंग ऑपरेटर है, मेंटेनर जो इलेक्ट्रिकल के लिए है, मेंटेनर SNT है, सिविल है, और जो नीचे आप इसको स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ पे और दिखेंगे आपको, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्टेशन कंट्रोल के लिए इसमें जो 3 ईयर्स जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सीटों की संख्या भी काफ़ी है, 186 सीटों की संख्या, जिसमें जनरल के लिए 76, EWS के लिए 18, इत्यादि सीटों की संख्या पर कैटेगरी की गई है। तो हम डिस्कस करेंगे ITI स्टूडेंट्स के लिए। ITI जैसे मेंटेनर पोस्ट के लिए निकाले गए इलेक्ट्रिकल, इसमें पे स्केल भी जो है ग्रेड 19,500 से लेकर 39,900 तक है। इसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 52 है। इसमें आपको क्या है, ITI मांगा गया है, किसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अगर आप ITI किए हैं, मिनिमम कितना 60% अगर यदि आपका ITI पास आउट में है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। जो टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 52 है। यदि हम फिटर ट्रेड की बात करें, हाँ फिटर ट्रेड के लिए भी है, लेकिन सीटों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं इलेक्ट्रिशियन की अपेक्षा, लेकिन भी ठीक ठाक है। यहाँ पर आप देखें मेंटेनेंस सिविल में, तो यहाँ पर कितना टोटल सीटों की संख्या, 24 है, और जनरल के लिए 11 है, 11 सीट है, EWS के 2 और OBC के लिए 6 सीट है। इसमें आपको ITI पास आउट होना चाहिए, किसमें, फिटर ट्रेड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिटर ट्रेड में पास आउट होना चाहिए, और जो मिनिमम मार्क्स है कितना, 60% है। यदि आप ITI में 60% से पास आउट हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यह भी है कि 21 से 28 एज तक ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं नीचे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, द सिलेक्शन प्रोसेस वुड जज डिफरेंट फेसेस, नॉलेज, स्किल, कंपैरिजन, एप्टीट्यूड एंड फिजिकल फिटनेस, कैंडिडेट विल हैव टू पास थ्रू ईच स्टेज सक्सेसफुली, है ना। रिटन टेस्ट होंगे, दोनों जो पोस्ट हैं वो पोस्ट के लिए भी डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ पे देयर विल, जिसमें है 140 क्वेश्चन है, ये कैटेगरी E1 से लेकर NU के लिए है। यदि आप ITI स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो टोटल क्वेश्चन कितनी है, 100 क्वेश्चन है, है ना। इसमें आपको ये भी कहा गया है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यदि आप एक गलत आंसर करते हैं तो उसके नेगेटिव मार्किंग भी है। ये आपके जो पेपर होंगे 2 घंटे के होंगे, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। इसका अगर हम सिलेबस की बात करें, तो जब इसके नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है।
और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो रहेंगे कहाँ, कंप्यूटर बेस्ड होंगे, सीबीटी बेस्ड टेस्ट होंगे, और ये जो सेंटर होगा क्या, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर इत्यादि जितने भी हैं यहाँ पे आपको सेंटर दिए गए हैं, जो इस सेंटर में आपको क्या होंगे एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे चूज करना पड़ेगा जिस टाइम इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। और इसका अगर हम पेमेंट का बात करें एग्जामिनेशन फ़ी का, तो यहाँ जो पेमेंट जो है आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटीएम कॉम डेबिट कार्ड ऑफ एनी बैंक के थ्रू आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इसके थ्रू इसके रिगार्डिंग यदि और भी कुछ नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जाने से पहले हम ये बता दें आपको कि यहाँ पे आपका जो है एडमिट कार्ड जो है अगला महीना 10 तारीख तक एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकता है, टेंटेटिव है, कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन 2-4 तक इस फॉर्म को आप ही भर सकते हैं। स्टार्टिंग जो है 11 तारीख से इस फॉर्म का आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। डेट ऑफ जो इशू है क्या 3, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ इशू 3 तारीख को ही नोटिफिकेशन निकाला गया है, और इस फॉर्म को आप कब 11 तारीख से भर सकते हैं, और लास्ट जो है 2 तारीख चौथा महीना तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।